तेल का, बिना तेल का छोले भटूरा है ना, ना लसन ना प्याज ना तेल, मतलब कैसा ये मेल भाई। रोड साइड ने आपको बहुत सारा स्ट्रीट फूड दिखाया, ढेर सारी वीडियोस है, पर कभी रोड पे ना मैंने ऐसा रश नहीं देखा। पूरा जैम पैक माहौल हो, रोज यहाँ पर हजारों लोग आके ना खाना खा, रश देख रहे हो यार कितना लगा हुआ है, लोग खड़े अपना लंच एंजॉय कर ले। आपको दिखाते हैं सारा कुछ क्या क्या मिलता है यहाँ पे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या हाल चाल है सर? बस ठीक है सर। थैंक यू, आपने मेरा टाइम दिया सर। नाम क्या है सर आपका? गुप्ता। तो गुप्ता जी, देख रहा हूँ मैं लोग यहाँ खड़े, जहाँ नजर जा रही है मेरी, आपके आगे भी, आपके दाएं भी, बाएं भी, पीछे भी, चारों तरफ लोग खड़े हैं आपको घेरा डालकर। आ रहे हैं कुछ क्या बेचते हैं आप? हमारे पास कुलचे होते हैं, समोसे होते हैं, भटूरे होते हैं, समोसे तीन चार तरह के होते हैं। क्या बात है। और भाई जो यहाँ पे सेटअप है ना, आपको एक एक करके सारी चीजें दिखाता हूँ। फिलहाल आप ये देखो सर, आप क्या खा रहे हो? कुलचे छोले। कुलचे छोले खाए जा रहे हैं और साथ में भैया ने चटनी डलवाई है। चटनी ज्यादा स्पेशल लग रही है यहाँ की, तो चटनी भैया ने एक्स्ट्रा डलवाई है। और पीछे जो भाई खड़े हैं वो सब समोसे खा रहे हैं कोई, और उधर भी जा रही है जी प्लेटिंग हो रही है लगातार। और गुप्ता जी आप क्या कर रहे हो? अभी प्याज काट रहा हूँ। गुप्ता जी भाई साहब अभी प्याज काट रहे हैं, और प्याज काट रहे हैं गुप्ता जी, पूरी मंडी लगा रहे हैं, पूरा भर के प्याज काटा जा रहा है, चॉपिंग चल रही है। अच्छा, ग्राहक प्याज ज्यादा खाते हैं। दिखाइए सामने समोसे नजर आ रहे हैं मेरे को, सामने पूरा भर के समोसे पड़े हैं। ये कौन सा समोसा गुप्ता जी? ये समोसे सर आलू वाले समोसे हैं। ये आलू वाला, इसमें पनीर डाला हुआ। अच्छा, पनीर वाला, इसमें नूडल्स डाला हुआ। आलू पनीर और नूडल, तीन तरह का समोसा अपने पास। रोड साइड ऐसी चीजें नहीं मिलती, देखिए कि तीन चार तरह के समोसे मिल रहे हो। और भाई पीछे आप देख लो बीबी फुल बिजी है। गुप्ता जी थैंक यू दोबारा कर रहा हूँ आपका, इतने अपने रश में भी हमें टाइम दिया। तो ये तो समोसे गुप्ता जी, और क्या क्या होता दिखाइए आप एक बार। ये कुलचे होते हैं सर, ये बेकरी वाले कुलचे होते हैं। ये आ गए जी कुलचे, और ये दिल्ली स्टाइल कुलचे हैं, पतले पतले लंबे वाले, बहुत ही बढ़िया। और क्या होता है गुप्ता जी कुलचे के अलावा? भटूरे होते हैं हमारे पास। वाह ये देखो यार, छोटे छोटे एकदम क्यूट से भटूरे, इनमें भरा भी हुआ गुप्ता जी कुछ? ऐसे सिंपल होते हैं। अच्छा सिंपल भटूरे, भरा नहीं हुआ कुछ अंदर। वैसे गुप्ता जी कहाँ से हैं आप? बिहार से हैं। बिहार से हैं, तो बिहार से गुप्ता जी ने आगे जलंधर में ना यार, जलंधर वालों को अपना दीवाना बना लिया। अभी आप बिलीव नहीं करोगे, अभी लंच आर हुआ नहीं है और रश चेक कर लो कैसा। भाई मैं देख के रहा हूँ, पीछे देखो ये, मतलब लोग ना ऐसा क्या गुप्ता जी प्यार देते हो आप समोसों के अंदर कि लोग लाइन लगा के आ रहे हैं आपके पास। समोसा होते ही स्वाद बहुत है। क्या बात है, बहुत स्वाद होता है समोसा, वैसे ही बहुत स्वाद है, और आप थोड़ा प्यार से खिला रहे हो तो लोगों को स्वाद भी ज्यादा आ रहा है। यार स्पेस कम है, रश बहुत ज्यादा है, मैं एक एक करके आपको सारी चीजें दिखाता हूँ। ये सामने समोसे, उधर सामने देखो यार, छोटे से स्पेस में ना गुप्ता जी ने गुप्ता डिजाइन बहुत सुंदर किया, आपने छोटी जगह में सब कुछ बना रहे हो। और यहाँ पड़े जी सामने भटूरे, यहाँ पे तवा देखो भाई, एक साथ कितने सेक रहे हो गुप्ता जी? चार प्लेट सेक रहे हो एक साथ ही, छोटे से तवे पे ना चार प्लेटें लगातार एक साथ ही गर्म हो रही है। ये भगोने में क्या गुप्ता जी, एक बार दिखाइए। भगोने में सूखे चने हैं, दिखाइए सर एक बार। ये आगे जी सूखे चने, वाह बटर आ गया ना, ये छोले हैं। बटर दिल्ली साइड चलता है यार, पंजाब साइड चलते हैं छोले, पंजाब के लोग चने ज्यादा पसंद। चने के साथ आलू आ गया जी बड़ा सा बीच में। अब ये गुप्ता जी सामने लाइव छोले लगा के दिखा रहे हैं जी, खट्टे वाले छोले, सूखे छोले जिनको कह देते हैं। और ये सामने पीपे के अंदर गीले हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। अभी गुप्ता जी का जो हाथ है ना काफी बिजी है, अकेले कार्ड पे काम कर रहे हैं, इतना रश भी मैनेज कर रहे हैं। अब ये लग रहे जा रहे हैं जी छोले। और प्लेट के हिसाब रहता है गुप्ता जी, कितने की प्लेट देते हो? कुलचे की प्लेट 30 रुपए की, और समोसा कैसे देते हो? समोसे 40 या 50 की प्लेट। 40 रुपए में दो समोसे, 40 वाला है, 50 वाला है, अलग अलग है समोसे। अच्छा ये छोले लग रहे हैं, हरी मिर्च आ गई, आलू आ गया बीच में, भाई मिर्ची काटने का स्टाइल देखो। अच्छा जो प्याज का आपने मेला लगाया था, प्याज और टमाटर का, वो मेला इसमें आना था। मसाले क्या है गुप्ता जी? मसाले गरम मसाला है, गरम मसाले, ये हरा धनिया, और ये आ रही जी खट्टी चटनी। तो किस चीज की चटनी है? पुदीने इमली की है, हरी मिर्च है, धनिया है, पुदीना और इमली की चटनी है, केले भी डाले होते इसके बीच। वाह केले भी डाले हुए चटनी में, बहुत ही कमाल यार। भगोने में गए वापस और मिक्सिंग होना शुरू। और जो लुक है ना यार, ऐसे काफी मैंने देखा है दिल्ली साइड बहुत मिलते हैं ऐसे छोले कुलचे, पंजाब में ये पहली जगह देख रहा हूँ मैं जहाँ पर ऐसे छोले कुलचे दिए जा रहे हैं। गुप्ता जी काम कितने साल पुराना है अपना? 1997 से, तो लगभग 26 साल हो गए आपको गुप्ता जी यहाँ पे। झटपट छोले तैयार है भाई, और ये पैकिंग लगातार जानी शुरू हो गई है। कुलचे गर्म है और साथ जा रहे हैं छोले, तो यार सूखे छोले बन के तैयार है। और यहाँ पे ना लगातार गुप्ता जी समोसे की प्लेट लगा रहे हैं, आपको दिखाते प्लेट लगती है। पनीर वाला समोसा, ये नूडल वाला समोसा, और ये सामने भी नूडल वाला। जी कोई क्रश करके दिखाओ समोसा बढ़िया से, ये देखो भाई एकदम बढ़िया खस्ता समोसा। ये लो जी आलू वाला भी लग गया, ये देखो जी आलू वाला समोसा, और बढ़िया क्रश हो गया एकदम, गर्मा गर्म समोसे। और जो प्रोसेसर है इन्फिनिटी है, लगातार समोसे आते जा रहे हैं। और प्लेट्स देखो यहाँ पे सामने, ये प्लेट्स कैसे अलाइन कर दिए गुप्ता जी ने। अभी आ गए जी पीपे में से छोले थरी वाले, सिंगल वन मैन आर्मी वाला हिसाब है यार, लगातार जो हाथ है ना वो चलता जा रहा है, प्लेट्स लगती जा रही है यहाँ पर। गुप्ता टाइमिंग क्या रहती है अपनी? सुबह 10:30 बजे से रहता है, 6-7 बजे, 6-7 बज जाते हैं गुप्ता जी। 6-7 बजे तक आप होते हो, जितना रश अभी पीछे है उस हिसाब से समोसे कम नहीं, रिफिल भी बाद में भरते हो सामान? और बना रहे हैं। अच्छा ताजा बनता रहता है और आता रहता है रेडी पे? हाँ जी।
बहुत ही बढ़िया यार, प्लेटें देखो लगातार लखे तैयार होगी, और दीवानगी चेक करो लोगों के लिए कैसे प्लेट्स जा रही है। इंतहा हो गई है सर इंतजार की, अब खिला दीजिए कुछ, क्या लगा के दोगे, कुलचे लगा दो आप। तो यार जो सिंगापुर वाले समोसे ना नूडल वाले, वो भी अंदर से ताजे बन के आ रहे हैं। गुप्ता जी पहले हमें कुलचे छोले लगा के देंगे। कुलचे छोले के लिए भाई सबसे पहले आगे लंबे लंबे कुलचे तवा के ऊपर, और जो तवा है ना भाई गुफाओं में अंदर छुपा कर रखा हुआ है। आइटम जितनी भी सर गुप्ता जी ने पास है, ये सब 26 साल से यही लगा रहे हैं? नहीं सर, 2007 से समोसे लगा रहे। अच्छा, उससे पहले क्या लगाते थे आप? उससे पहले कुलचे लगाते थे, भटूरे लगाते थे। वाह, तो समोसों का काम ऐसा आपने शुरू किया कि भाई समोसा किंग बन गए अब जलंधर के। अब ये हो गए जी झटपट गरम कुलचे, ये आगे जी गर्मा गर्म कुलचे, अब ये आगे जी कुलचे प्लेट में। भाजी प्लेट के बाद कहाँ जाएंगे? पेट में। अब ये चेक करो जी, एकदम सूखे बढ़िया खट्टे छोले, खट्टा चटनी हो गया। अच्छा, खटास के ऊपर और खटास गुप्ता जी, धनिया आ गया जी, क्या बात है, मतलब पूरी खटास ही खटास कर देनी है बंदे। भटूरे इतने कमाल है यार, लोग कह रहे हैं यहाँ पे कि ऑयल फ्री छोले भटूरे, बिल्कुल तेल नहीं होता। मैं भी देखना चाहता हूँ बिना तेल के छोले भटूरे कैसे होते। गुप्ता एक बार दिखाइएगा, बिना तेल का छोले भटूरा है ना, भटूरे एकदम छोटे छोटे हैं यार, कुछ भरा नहीं हुआ इनमें, पर देख रहे हैं बहुत कमाल। आलू डाला होता गुप्ता जी इनमें? हाँ जी, आलू भी डाले होते हैं, किसी में मेथी पता डाले होते हैं, किसी में पालक पता रहता है। तो मतलब लॉटरी है यार जो निकला है आपके भटूरे तरी वाले छोले। और गुप्ता जी ये भी ऑयल फ्री है छोले? हाँ जी, इसमें ना लहसुन ना प्याज है। अच्छा, ना लहसुन ना प्याज ना तेल, मतलब कैसा ये मेल। और फिर से आएगा जी प्याज और टमाटर ऊपर टॉपिंग करके, और प्लेट तैयार गुप्ता जी। ना तो यार फाइनली ना अब भटूरे भी दिखा दिए, कुलचे भी दिखा दिए, गर्मा गर्म समोसे आ गए। गुप्ता जी अब लगा दोगे नूडल वाला? तो फाइनली यार अपनी बारी आ गई है समोसे की, और इतने सारे फ्लेवर के समोसे। गुप्ता जी को पता कैसे लगता है कौन सा समोसा समोसे के अंदर क्या है, मतलब कैसे पता लगा? तो कोई सीक्रेट निशानी है जो गुप्ता जी को मालूम है बस। अब ये देखो जी छांटी चल रही है, इसमें से निकलेगा नूडल वाला। ये नूडल वाला ही है, नूडल्स वाला, इसमें कट मार दिया हूं चाकू से। अच्छा, गरम आया भाई अंदर से तल के। तो भाई सिंगापुरी समोसा और ऊपर पंजाबी छोले, कॉम्बिनेशन चेक कर रहे हो आप? आगे छोले और ऊपर आई चटनी, नारियल की चटनी, नारियल की चटनी, कोकोनट चटनी। वाह, तो ये प्लेट तैयार है भाई। प्लेट लगते लगते दोबारा आप देख लो सीन वही हो ना, फटाफट खा के आपको बताते हैं। अपनी स्कूल लाइफ में स्टाफ रूम के बाहर खड़के अपने नंबर बढ़वाने के लिए नहीं किया कि मैडम प्लीज पास कर दो, जितना यहाँ पे भाई प्लेट के लिए किया, क्योंकि इतना रश। वीडियो के थंबनेल्स में मैं लिख देता हूँ 1 घंटा वेटिंग, 2 घंटा वेटिंग। वो कैमरा वाले जब हम जाते हैं ना ब्लॉगर, हमको नहीं करनी पड़ती, लोगों को करनी पड़ती है। पर यहाँ पे कैमरा और मंत्री है, मिनिस्टर है, भाई खड़ना पड़ेगा 40-45 मिनट ना, मेरे को ऐसे खड़ा के रखा, और मैंने समोसे सब कुछ देखा है, पर मेरी बारी नहीं। कॉम्बिनेशन कैसा है, समोसे के अंदर पहली बार चाउमीन डाल दी, उसके ऊपर छोले डाल दिए, मतलब रिमिक्स कर दिया, और से कोकोनट चटनी डाल दी। छोले बहुत स्वाद है, समोसे की आउटर क्रस्ट बहुत टेस्टी है, बट ऑल इन ऑल जो कॉम्बो है वो नहीं समझ आया। मैं अकेला समोसा नूडल वाला खा लूंगा चटनी के साथ, वो ज्यादा मजा आएगा। तो भाई ऐसे भटूरे हैं, ये देखो ऐसे छोले देखे हैं भटूरों के साथ कभी, और एकदम फ्लफी से भटूरे हैं। मेरी लॉटरी नहीं निकली, मेरा भटूरा खा लिया है ऐसे ना लोड करके छोले के साथ। ये आइटम बिल्कुल डिफरेंट है, छोले भटूरे ना ये वाले छोले भटूरे ऐसे हैं, मतलब बहुत ही लाइट वेट, बड़ा एक कमाल की पेपर वाले वैसी चीज है, लाइट वेट पूरे। 2 खा लोगे 3 खा लोगे 4 खा लोगे इतना हैवी नहीं लगेगा आपको, क्योंकि बहुत ड्राई है। अब देखो एक ही कार्ड भाई, तीनों सामान मिल रहे हैं ना, तो नजारा बन जाता है। अब नजारा बना तो लाइक भी कर देना, आ जाओ। ये ऐसे छोले बाइट तैयार है, फुल चटपटा चटोरी सीन है, खट्टा ही खट्टा लगा था मेरे को होगा, पर खट्टा नहीं है, मल्टीपल फ्लेवर है, पर बढ़िया कमाल की चीज है। लोकेशन में भी बताएंगे भाजी। 30 के कुलचे छोले, 30 के ही भटूरे छोले हैं, और समोसा अकेला लोगे 15 का भाई, प्लेट लोगे 40 की, छोले के साथ लोगे 20 का। फटाफट अभी लोकेशन सुन लो, भाजी भी पूरे बिजी है। भाजी आप लोकेशन बताओ। तो भाजी पीछे है बस स्टैंड वाला फाटक, टीचर अकेडमी साथ है, और ये रहने वाले गुप्ता जी।